देखिए, कोई भी अर्थनीति, कोई भी देश तब मजबूत होता है अगर उस देश की नौजवान ज्यादा काम कर पाता, ज्यादा हुनर वाला होता, ज्यादा अर्थनीतिक गतिविधि में लगता। उसी विषय में आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्किल इंडिया मिशन की 6वीं वर्षगांठ पे और एक सुअवसर है, वर्ल्ड यूथ स्किल डे भी आज है जिसको यूएन ने मान्यता दिया है, इसी अवसर पर उन्होंने उसी विषय को याद दिलाई। विशेष करके जब कोरोना महामारी की चपेट में विश्व है, हमारी देश भी है, उस समय में स्किलिंग, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग की जरूरत और बढ़ जाती है। जैसे अभी कोरोना के समय में अनेक अनुभव आया, हेल्थ सेक्टर में बहुत नए काम की आवश्यकता हुई। पहले इतनी मात्रा में देश में कभी ऑक्सीजन की कंजम्पशन नहीं हुई थी, ऑक्सीजन सिलेंडर की आवश्यकता नहीं लगी थी, अभी लगी। उसके लिए हमको स्किल मैन पावर की आवश्यकता लगी, स्किल इंडिया मिशन ने उस काम पे लग गया। ऐसे अनेक कामों में पिछले 1.5 साल से देश की कई हिस्सों में, विश्व की कई देशों में लॉकडाउन लगी है, उसकी इम्पैक्ट अर्थनीति पे आता है, लेकिन अर्थनीति को तो गति देना ही पड़ेगा। उस समय में किस नई प्रकार की स्किल से हम काम को करें, जवाबदेही और बढ़ जाती है। ये सारा विषय में आज प्रधानमंत्री जी ने देश की नीति निर्धारक, देश की उद्योग, देश की नौजवानों के सामने इस विषय को एक सरकार की प्राथमिकता के विषय करके रखा है। हमें पूरा विश्वास है हमारी देश की जिस प्रकार की इकोनॉमी एक बहुत बड़ा हाथी की रूप ले रहा है, एलिफेंट बन चुका है, उसमें उस बराबर की मैनपावर, क्वालिटी मैनपावर की भी आवश्यकता होती है। ये स्किल इंडिया मिशन उस दिशा में पूरा काम करेगा। और एक सर, आज आपने लॉन्च किया है 75 जन संस्थान, यह किस तरह से मदद करेगा लोगों को स्किल करने में? क्योंकि देखिए, जन संस्थान, जन शिक्षण संस्थान एक पुरानी व्यवस्था शिक्षा विभाग में था, पिछले 2-3 सालों में ये वर्टिकल शिक्षा से आके स्किल में पहुंची है। ये निश्चित रूप में विशेष करके कुछ पिछड़े जिलों में ये प्राथमिकता से पहुंचाई गई है, ये वहाँ की महिलाओं को विशेष करके स्किलिंग इकोसिस्टम पे जोड़ना, उनको हुनर से जोड़ना और रोजगार के साथ सीधा सीधा संपर्क रहेगा। सर, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कोरोना का काल आया था उस समय जो वेंटिलेटर चलाना हो या हेल्थ सपोर्ट देना हो उसके लिए स्किलिंग की बात की थी सर, उसको पिछले महीना प्रधानमंत्री जी ने आने वाले दिनों की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए और जो पिछला अनुभव हुआ, 1 लाख नया प्राइमरी हेल्थ, जो जिस प्रकार की मैंने हेल्थ केयर सिस्टम में जिस प्रकार की लोगों की आवश्यकता हुई, हमारी देश में इतनी बड़ी मात्रा में कभी ऑक्सीजन कंटेनर नहीं चली थी, उसके लिए अलग प्रकार की विशेष ड्राइवर लगते हैं, वहां से लेके ऑक्सीजन सिलेंडर घर में लगने की तक जो मैन पावर लगेगी उसको तैयारी करने के लिए काम शुरू हो गया है। पिछले महीने प्रधानमंत्री जी ने स्किल मिनिस्ट्री की अनुरोध पे ऐसे कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया था, उसकी अच्छा प्रगति हो रही है। आने वाले महीने 2 महीने में हमने एडिशनल जो लोग हेल्थ इकोसिस्टम में तो थे ही थे, उसके अलावा भी हम 1 लाख लोगों को जोड़ पाएंगे, ये योजना है।